बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वली ऑटोमोटिव सर्विस में खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तानी आटो 660cc की थ्रॉटल क्लीनिंग करेंगे और आपको रीलर्न करने का तरीका बताएंगे। मैनुअल ये स्कैनर की मदद से नहीं होती रीलर्न। चलिए आइए खोल लेते हैं इसको। अच्छा, जब आपने इसको खोलना है, ये तीनों जो काबले हैं आपने पहले लूज़ कर लेने हैं थोड़े थोड़े, फिर उसके बाद सारे पाइप निकाल लेने हैं। इसमें दो काबले और एक नट लगा हुआ 10 का, टी रॉड की मदद से हम खोल लेंगे इसको। अच्छा, ये आपने क्लिप उतार लेना है जिसको हम मक्खी बोलते हैं। ये आसानी के साथ फिर बाहर आ जाएगी थ्रॉटल आपकी। तो ये थ्रॉटल क्लीन कर लेनी है कार्बोरेटर के साथ। तकरीबन जितनी भी गाड़ियां हैं, मोस्टली गाड़ियों का बाहर आके ही साफ होती है और कार्बोरेटर क्लीनर के साथ ही साफ होती है मोस्टली। तकरीबन सबका मेथड एक ही है कि एक जैसी साफ होती है कार्बोरेटर क्लीनर के साथ। ये जब गंदी होती है तो आपकी पिक अच्छी नहीं रहती। जब आप एक्सीलेटर देते हैं तो गाड़ी एकदम पिक नहीं लेती, तो ये जब साफ हो जाती है तो ये आप एक्सीलेटर दे रहे हैं मतलब देंगे एकदम पिक लेगी गाड़ी। जब ये गंदी, बहुत ज़्यादा गंदी होती है तो आप एक्सीलेटर दे रहे होते हैं, गाड़ी बहुत लेट पिक करती है, तो फिर ये इसी का मसला होता है थ्रॉटल का, इसलिए इसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद आपने इंस्टॉल कर लेना है थ्रॉटल को और वही आपने काबले तीनों मिल लेने हैं हाथ के साथ ही, फिर उसके बाद आपने टाइट करना है। आपने जो क्लिप उतारा था वो लगाना है। अच्छा, एयर फिल्टर जो साफ करने का तरीका है वो इसकी बैक साइड से हवा लगाते हैं, फ्रंट से नहीं लगाते। ठीक है, ये इसकी बैक साइड है, कोई भी आप ले लें एयर फिल्टर, इसकी बैक साइड से आपको हवा लगानी पड़ती है, लगानी चाहिए बल्कि।
अच्छे से स्विच ऑन कर लेना आपने, और उसके बाद आपने नेगेटिव पोल उतारना है, ये स्कैनर की मदद से नहीं होगी, और ये नेगेटिव आपने उतार लेना है इसका टर्मिनल, और आज के टर्मिनल को आपने 7 दफ़ा स्विच ऑन करके टच करवाना है, और जब टच करवाएंगे तो इसकी थ्रॉटल में से टक टक की आवाज़ आएगी आपको, ठीक है। और ये कस्टमर से पूछ लेना आपने ट्रैकर वगैरह तो नहीं लगा हुआ, ये लाजमी पूछना है आपने। और इसको आपने 2 मिनट, आपने 1 या 2 मिनट उतार के रखना है, स्विच ऑफ कर लेना है, उसके बाद स्विच ऑफ करने के बाद 1 या 2 मिनट के बाद आपने इसको नेगेटिव लगा देना है। आपने डेटा स्ट्रीम में चला जाना है, यहाँ पे आपने इंजन स्पीड ले लेनी है, उसके बाद आपने ईटीसी सेंसर ले लेना है और रेडिएटर फैन ले लेना। और देखिए आरपीएम अभी इसका ज़्यादा है, इंजन स्पीड अभी टेम्परेचर कम है, जब टेम्परेचर इसका बढ़ेगा 80-86 से ऊपर जाएगा तो इसका 750 लेके 800, 800 तक होगा इसका आरपीएम आइडियल जो होता है।